निरुपा जाफर की कार्यवाही, डॉक्टर घायल होंगे मनासा के बीएमओ, विधायक अनिरुद्ध मारू ने जताई थी नाराजगी, दिए थे कार्यवाही के निर्देश। नमस्कार, मैं हूँ रिया पिपलीवाल और आप देख रहे हैं एमपी 7 न्यूज वेब एंड यूट्यूब न्यूज चैनल। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए आज की विशेष बड़ी खबर। जी हाँ, विधायक की नाराजगी और निर्देश पर मनासा बीएमओ निरुपा झा पर कार्यवाही की गाजगिरी है। कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने झा को बीएमओ पद से हटा दिया है। अब डॉक्टर बीएल भायल को मनासा चिकित्सा विभाग का बीएमओ बनाया गया है। मनासा अस्पताल की व्यवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। डिलीवरी सहित विभिन्न प्रकरणों में भुगतान समय पर नहीं हो रहा था। डिलीवरी प्रकरण एवं अन्य भुगतान में भ्रष्टाचार की शिकायत भी मिल रही थी। इस पर विधायक मारू ने बीएमओ डॉक्टर निरुपा झा को फटकार लगाई और 5 मार्च को आयोजित ब्लॉक स्तरीय समीक्षा बैठक में व्यवस्थाओं में सुधार करने के निर्देश दिए थे। बावजूद अस्पताल की स्थिति जस की तस बनी हुई थी। इस पर विधायक मारू ने सख्त नाराजगी जताई और कलेक्टर मयंक अग्रवाल को जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए थे। मामले में कलेक्टर ने कार्यवाही करते हुए डॉक्टर निरुपा झा को बीएमओ पद से हटा दिया है। उनकी जगह अस्पताल में पदस्थ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बीएल भायल को बीएमओ का चार्ज दिया है। अस्पताल में डिलीवरी सहित विभिन्न योजनाओं का प्रकरण का भुगतान समय पर हो, इस बात के लिए भी कलेक्टर ने निर्देशित किया है। विधायक मारू ने कहा, किसी भी विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायत मिली या अधिकारी कर्मचारी द्वारा कार्य में लापरवाही मिली तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जन कल्याणकारी योजना का लाभ हितग्राही को समय पर मिले, हितग्राही परेशान ना हो, इसका सभी अधिकारी कर्मचारी विशेष ध्यान रखे। जिसने इसे गंभीरता से नहीं लिया वह कार्यवाही के लिए तैयार रहे। यह भाजपा की सरकार है और जन कल्याण हेतु समर्पित है। विधायक कार्यालय पर कर सकते हैं संपर्क। विधायक मारू ने कहा, हितग्राही मूलक किसी भी योजना में लेन देन की शिकायत मिली या कोई पात्र हितग्राही वंचित रहा तो दोषी संबंधित विभाग का अधिकारी कर्मचारी होगा। अगर किसी पात्र व्यक्ति की सुनवाई नहीं हो रही है तो वह मनासा विधायक कार्यालय पर संपर्क कर सकता है। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए हमारे साथ एमपी 7 न्यूज।